आपको अगर नेटवर्क की सामना करनी पड़ती है अपने एरिया यानी अपने गांव मोहल्ले या फिर शहर में, तो आप कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं और आप इससे कैसे एक अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं दिलीप और आज आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं और बेहतरीन नेटवर्क की सर्विस पा सकते हैं और इससे अच्छा खासा इनकम भी कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मेनली तीन कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि भारत इंफ्राटेल है और इंडस टावर कॉर्पोरेशन है और यहाँ पे अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन है यानी ATC। आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं भी बताऊंगा। और यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जियो वोडाफोन एयरटेल है इनकी स्पेक्ट्रम पे ज्यादा फोकस रहती है, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी काम करती है टावर को सेटअप करने के लिए। यानी भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड के बारे में कुछ मैं बता दूं आपको, तो इसने सुनील मित्तल भारती ने स्टार्ट किया था अपने दो भाइयों के साथ और 1976 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ये कंपनी अपने नाम से न जानकर ये एयरटेल और बीटेल के नाम से ज्यादा जानी जाती है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी लगभग सभी राज्यों में कम से कम 70% तक इसकी भागीदारी है। और यही इंडस की बात करें तो इंडस भी सबसे बेहतरीन सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है और टावर सेटअप करने में सबसे लोकप्रिय है अपने भारत एरिया में। लगभग हर राज्य में इसकी भी कवरेज है। और यहाँ पे मैं अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन के भी बारे में बताऊंगा, इसको भी कैसे सेटअप करना है, ये भी बहुत अच्छी खासी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इसे भी अपने अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन को अपने गाँव या मोहल्ले या फिर शहर या फिर अपने जमीन पर सेटअप कराकर आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर कमाने की बात की जाए तो आप कितने महीने तक कमा सकते हैं वो भी आप लगभग 50,000, वो आपकी जगह पे डिपेंड करता है और आपके लोकेशन पे जगह डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी यानी आपकी जगह है और उस हिसाब से आपको इनकम दी जाती है। और बात करें यहाँ पे जो चाइना और भारत के विवाद चल रहा है, यहाँ पे लगभग आप इससे क्या करते हैं भारत की एक अर्थव्यवस्था में भागीदारी भी बना सकते हैं और खुद अपनी इनकम भी करवा सकते हैं। तो चलिए और इसको मैं डिटेल में बता दूं कि आपको कौन कौन से नियम जानने चाहिए और इसकी क्या डॉक्यूमेंट लगती है, वो भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मोबाइल टावर लगवाने के नियम कौन कौन से है, तो गाँव के लिए आपको 2500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और छत पे अगर आप लगवाना चाहते हैं तो छत के लिए आपको 500 स्क्वायर फीट की जगह देनी होगी और शहर के लिए आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह देनी होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी को कोई पैसा नहीं देना होगा। यानी अगर आप कोई भी सेटअप करा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर रहे हैं, तो आपको कोई कंपनी को रजिस्ट्रेशन फी या फिर कोई भी फीस इसमें नहीं देना होगा आपको। और हॉस्पिटल अगर आपके नियर में है तो हॉस्पिटल के पास ये टावर सेटअप नहीं होती है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल बहुत ज्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर पड़ोसी अगर आपके पास पड़ोसी विरोध करते हैं तो भी आप यहाँ पे टावर सेटअप नहीं करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके नियम कौन कौन से होते हैं और इसकी डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगती हैं, वो भी आपको मैं बता दूं। डॉक्यूमेंट यानी NOC फॉर्म यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा लैंड ओनर की तरफ से, यानी किसकी जमीन है या फिर जिस बिल्डिंग पे खुलवा रहे हैं उसकी बिल्डिंग के ओनर से। फिर NOC फॉर्म यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में अगर आपको NOC के बारे में और बेहतरीन तरीके से जानना है तो मैं एक वीडियो इसके लिए सेपरेट बना रहा हूँ, आप वहां से जाकर देख लेना। फिर इसके म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर निगम से आपको इसकी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अप्रूवल कराना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट भी आपको देनी पड़ेगी। फिर बॉन्ड पेपर या एग्रीमेंट, बॉन्ड क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है ये भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 2 दिन में मैं इसको अपलोड कर दूं। जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड हो गया और बॉन्ड पेपर या एग्रीमेंट यानी आपके बीच में और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि इतने साल तक हम आपके जमीन पे यानी जो सेटअप करेंगे जो भी हमारी टावर होगी उसको हम सेटअप करेंगे। तो चलिए आपने जान लिया नियम और इसके डॉक्यूमेंट। अब आपकी बारी आती है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको सिंपली एक गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर पे जाना होगा। और मैं आपको पहले भारत इंफ्राटेल का बता दूं, तो भारत इंफ्राटेल आप सर्च करेंगे गूगल क्रोम में जाके और यहाँ पे जैसे आप भारत इंफ्राटेल लिमिटेड सर्च करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक खुल के आएगी आपको सिंपली यहाँ पे जाना है कॉन्टेक्ट पे भारत इंफ्राटेल में। और यहाँ पे जब भी आप कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा खुल के आएगा, तो यहाँ पे आप चूज फ्रॉम पे जाएंगे। जब चूज फ्रॉम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीधे लैंडलॉर्ड्स पे जाना है। लैंडलॉर्ड्स पे जाते हुए आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या क्या लिखना है इसमें। तो प्रॉपर्टी टाइप यानी किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड है
या फिर बिल्डिंग, यहाँ पे आप लैंड फिल कर दे, फिर यहाँ पे सर्कल किस सर्कल में है यानी BIL या फिर जो भी होगा इसके अपने अनुसार भर लीजिएगा। और यहाँ पे एड्रेस आपको जो भी आपका एड्रेस है जिस जगह आप खुलवाना चाहते हैं वहां पे, और लोकेशन टाइप यानी किस जगह पे है, फिर एरिया किस जगह पे है, आप किस स्टेट यानी किस प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश हूँ तो उत्तर प्रदेश का मैं फिल करता हूँ, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट से है, फिर यहाँ पे सिटी किस सिटी से है, यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिएगा, और यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे पिन कोड यानी जो भी आपके उत्तर प्रदेश का होगा, या फिर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन यानी किसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, या फिर किस लोकेशन पे है, किस तहसील में है, किस गांव में है, या फिर किस शहर में है, किस कस्बा में है, आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होगी प्रॉपर्टी की। और यहाँ पे ऑनर फर्स्ट नेम, उसकी जमीन की कौन मालिका मालिक है, और फिर लास्ट नेम, और यहाँ पे उसकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लाइन, यहाँ पे सारी की सारी डालना होगा, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट जैसा दिया है यहाँ पे आपको पढ़ के डालना है, और यहाँ पे आपको आना सबमिट पे, और आप जैसे सबमिट पे करेंगे तो आपके उधर से इंस्पेक्शन के लिए कुछ आदमी आएंगे और आपकी जमीन को इंस्पेक्शन करेंगे कंपनी के द्वारा, फिर आपको वो आगे की प्रोसेस बताएंगे, फिर आपको कांटेक्ट बराबर में रहना है, और उसके बाद से आपको वो सर्विस दी जाएगी यानी टावर सेटअप करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इंडस टावर। इंडस टावर सबसे बड़ी भागीदारी रोल निभाता है, आपको सिंपली इंडस टावर सर्च करना है, और यहाँ पे आपको जाना है कि इंडस टावर जो भी लिंक खुलेगी पहली वाली, आपको यहाँ पे सिंपली लैंडलॉर्ड्स पे जाना है। जब यहाँ पे आप लैंडलॉर्ड्स पे जाएंगे तो एक इंटरफेस खुल के आएगा पूरी फॉर्म चार्ट की तरफ से, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है रजिस्टर योर प्रॉपर्टी हियर, तो आपको रजिस्टर योर प्रॉपर्टी हियर पे जाना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, और उसके बाद से जो भी दिया है ये कि आप प्रॉपर्टी टाइप, आप किस प्रॉपर्टी टाइप लेना चाहते हैं, प्लॉट तो या फिर बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप प्लॉट क्लिक करेंगे। फिर आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो ये आपके इंटरफेस जो भी फॉर्म खुल के आएगा, ये आपको पूरी पढ़नी है प्रॉपर्टी डिटेल यानी किस प्रॉपर्टी किसके नाम से है, फिर हाउस, फिर स्ट्रीट, कॉलोनी नेम, फिर आपको यहाँ पे विलेज डाल देना है या फिर जो भी है, आपको आप पिन कोड डालेंगे तो आप खुद ही कैच कर लेता है यानी आपकी लोकेशन को, या फिर तहसील डाल देनी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम डाल देना है, या फिर नियरेस्ट मेजर जो भी लैंडमार्क होगा वो अपने लोकेशन बनाने के लिए। आप जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी कलेक्शन कर लेता है खुद लोकेशन के तौर पे। और यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल बाय द वे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी जगह और रह रहे हैं और किसी जगह और पे आप खुलवाना चाहते हैं यानी अपने जमीन पे, तो आप इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा ताकि वो आपसे संपर्क कर सके कि वो कभी आपको जरूरत पड़े तो, इसलिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा अगर आप किसी और जगह पे किसी और जमीन पे खुलवाना रहे तो। यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक कर रहा है, सबमिट पे करेंगे क्लिक तो आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो कि मैंने पिछले बताया कि कंपनी के द्वारा इंस्पेक्शन भेजा जाएगा और जांच किया जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी आपको दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ से कॉल करके जानकारी और भी इकट्ठा ले सकते हैं, और फिर से इंस्पेक्शन करने आया जाएगा, फिर आपको वहां पे जो भी प्रोसेस होगी आपको बताई जाएगी, फिर आप उसके आगे अनुसार अपनी जो भी चांस काम करने की होगी वो आपको आगे बताएंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूं अमेरिकन टावर की, तो अमेरिकन टावर भी बहुत अच्छा खासा अपना भारत में रोल निभा रहा है एक इंफ्रास्ट्रक्चर टावर को बढ़ाने के लिए। तो आपको सीधे क्या करना है, इसको ATC भी बोला जाता है, तो अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन लिखना है आपको। यहाँ पे जैसे ही आप अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन लिखेंगे तो आपको जो ये फर्स्ट लिंक आएगी अमेरिकन टावर ग्लोबल वायरलेस सॉल्यूशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाकर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पे जब आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे दिया होगा हाउ कैन वी हेल्प यू। जब यहाँ पे आप हाउ कैन वी हेल्प यू को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या किस जगह पे खुलवाना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, और यहाँ पे फोन नंबर अपना दे देना है, फिर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल देना है, और यहाँ पे जो कंपनी यानी किस कंपनी के द्वारा खुलवा रहे हैं, या फिर यहाँ पे आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन हो जानी चाहिए, आप क्या मैसेज भेजवाना चाहते हैं। इसमें यही अलग बात है कि आपको यहाँ पे फॉर्म कोई भरना नहीं होता है,
आपको ये फोन से पूरी जानकारी दी जाती है कि आप क्यों खुलवाना चाहते हैं, आपकी इनकम कितना है, और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी लेकर फिर उसकी कंपनी के द्वारा इंस्पेक्शन की जाती है। फिर आपको वहाँ पे आदेश दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे हम अपनी टावर को सेटअप करने के लिए सहमत हैं और या फिर हम इसे खोल सकते हैं। तो गाइज आपने जाना कि कैसे आप टावर को मतलब अपने जमीन पे सेटअप करा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी वीडियो को भी शेयर करें और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।